अरपा रेडियो पर आज सुनिए गणेश जी की एक कहानी। नाम है जिसका, गणेश जी के लिए खीर किसने बनाई। ओम गजाननाय नमः, ओम लंबोदराय नमः। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण करके नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे पर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं न बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उनसे कहा, चल बेटा मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू चारों तरफ फैले जा रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसे खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे चुपचाप बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, अब ये खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया तो सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। ये देखने के लिए वो सब वहां आ गए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर के खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। तो अरपा रेडियो पर आज हमने आपको सुनवाई गणेश जी की खीर वाली कहानी। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।